वसुदेवसुतं देवं कंसचाणु रमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणु रमर्दनं देवपि परमानंदं कृष्णं वंदे जगत देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत अजो कृष्ण नाम आत्मा भूतना में स्वरूपिषं अजो कृष्ण नाम आत्मा प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्या मम जया प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्या मम जया यदा यदा धर्मस्य ग्लानी भवति भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्कृत आपनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः चत्वादेहं पुनर्जन्म नयति मामे ईश्वरं चत्वादेहं पुनर्जन्म नयति मामे राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता महवो ज्ञान तपसा उतामत भाव मागता वो ज्ञान तपसा भाव मागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे कृष्णं वंदे जग
जगद्गुरु श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नोत्तर है। भजन ध्यान सत्संग से और वैराग्यवान पुरुषों का संग करने से संसार के पदार्थों में दोष बुद्धि करने से तृष्णा का अभाव आप ही हो जावे। कितनी बात, एक तो भजन ध्यान, एक सत्संग, एक वैराग्यवान पुरुषों का संग, एक संसार के पदार्थों में दोष बुद्धि। परमात्मा में प्रेम कैसे होवे? मन में यह किसी प्रकार जचा लो कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे भगवान भी आकर कह देवे तो भी उसकी परवाह मत करो कि इस विषय में हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और जो कहेंगे सो मान लेंगे। ऐसा आप पक्का ध्यान में रखें तो भगवान खुद आपसे मिलने की इच्छा रखे। एक तो आलस्य बहुत आता है, एक विक्षेप होता है, माने एक बार कभी मन इधर गया कभी उधर गया, एक आलस्य है। इन दोनों में कौन सी ठीक चीज है कि दोनों ही खराब है? पर फिर भी आलस्य ये तो बहुत नीचे दर्जे की चीज है, विक्षेप उससे थोड़ा ठीक है। क्योंकि आलस्य तमोगुण बढ़ता है तब आता है, और विक्षेप रजोगुण बढ़ता है तब आता है। रजोगुण से तमोगुण ज्यादा नीचा है। देखो, हम जो आप लोगों को बातें सुनाते हैं उन बातों को समझने की चेष्टा करो, थोड़ा बुद्धि पर जोर लगाओ। आप लोग आराम से समझने की चेष्टा करते हो, सुन लिया बस इतने में ही राजी हो जाते हो। थोड़ा बुद्धि को काम में ले लो। बुद्धि को काम में लेने का मतलब क्या है कि ये पूर्ण निश्चय करो कि हम लोग कहां जा रहे हैं। नहीं तो बिना निश्चय के ये मन बुद्धि इंद्रियां आपको इस संसार सागर में डुबा देंगी, धोखा खा जाओगे। संसार में व्यर्थ में ही खुश हो रहे हो। पागल आदमी
लकड़ी के मकान में रहकर उसमें आग लगाकर जैसे खुश होता है उसके माफिक खुश हो रहे हो। सावधानी लाओ। प्रश्न किया कि सुमति कैसे आवे, सावधानी कैसे आवे, ये जागरूकता कैसे आवे, इस सबका इलाज सत्संग है। सत्संग से आवे, सत्संग में भी श्रद्धा कैसे होवे, कि सत्संग में श्रद्धा, सत्संग में आप विशेष प्रवेश करके सुधारने की चेष्टा करो, तब सत्संग की महिमा समझ में आएगी। वक्ता है वो व्याख्यान देकर खुश हो जाता है, श्रोता है वो सुनकर खुश हो जाता है, वो सत्संग नहीं है। गहराई से उसमें प्रवेश करो। कम से कम कितने घंटे सोने से काम चला लेवे और स्वास्थ्य भी खराब न हो, तो कहते हैं 6 घंटा। ये जो बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा लोग होते हैं या साधक होते हैं, वो 3 घंटे में काम निकाल लेते हैं। बालकों के लिए 7 घंटा, 1 बीसी में 7 घंटा, 2 बीसी में 6 घंटा और 3 बीसी में 5 घंटा। थोड़ा खाने पीने पर ध्यान करो। अधिक खाते हो तो बदाऊ नींद आवे, ज्यादा नींद आवे। अधिक भोजन करने से, अधिक खाने से बदाऊ नींद आवे। ज्यादा अन्न है ये बाधक है, खटाई नहीं खानी चाहिए। नशा भी निद्रा को निमंत्रण देने वाला है। आप लोग गंगा जी जैसे पवित्र तट पर आए हो और नशा भी नहीं छोड़ोगे, तो हम और मन से छोड़ने की बात कहते हैं वो सब व्यर्थ है, नहीं छोड़ोगे। तंबाकू बीड़ी बहुत खराब चीज है, इसे तो त्याग ही कर जाना चाहिए, यदि बहुत बड़े नुकसान से बचना है तो। देखो चांदनी रात आ गई, चंद्रमा का कैसा प्रकाश है, इधर गंगा जी की मधुर मधुर आवाज आ रही है। तीर्थों में लोग जाते हैं और कई चीजें छोड़ने का नियम लेते हैं। हमारी माताएं बहनें ये लाल मिर्च नहीं खाएंगी, अमचूर छोड़ेंगी, बैंगन छोड़ेंगी, अरे सबसे बढ़कर तो नशा छोड़ने को है। और अपने भाव में गंदगी आ जाए उसको छोड़ो। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति गंदे भाव बना ले तो ये गंगा जी के किनारे छोड़कर जाओ। सूर्य भगवान का दर्शन करो, उपवास करो। ये गंगा जी हमारे मन के मैल को धोने के लिए है। तन का मैल धोवे ये तो सभी जानते हैं। मुसलमान भी गंगा जी में स्नान करता है तो वो साफ हो जाता है, पर मन के मैल को गंगा जी धोने वाली है ये हम लोग श्रद्धा से जान पाते हैं। इसलिए अपने मन में दोष घटता हो, क्रोध आता हो, लोभ बढ़ता हो, तो इसको बहुत बड़ी भारी मन की गंदगी समझ करके छोड़ो। देखो भाई संतों की बात है, वो जैसे किसी आदमी को, अब बता देते हैं, किसी आदमी को
जोर से हाजत लगी हो तो वो सब काम छोड़ करके पेट की गंदगी को निकालने के लिए जावे। उससे ज्यादा तत्परता मन की गंदगी को निकालने की आनी चाहिए। हाजत को तो आपकी ताकत नहीं है, रोक लो, इसलिए जानो पड़े। तो भी में के विशेषता हुई, ऐ जो मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, यारी थाने हाजत क्यों नहीं हुए? हाजत वर दौड़ करके सत्संग में जा रही न, गंगा जी के किनारे जा रही न, साफ करनी चाहिए। संध्या रो नियम लेनो चाहिए। कौन सी हाजत हो? काम क्रोध लोभ की हाजत। संध्या के लिए नियम बनानो चाहिए। ये जो जितने नियम बनाए जाते हैं पाठ पूजा के, जप के, वो परमात्मा के पास पहुंचाने के सीढ़ियां है। संयम है, ये दोष को घटने नहीं देता है। पहले कोई दोष घट गया, गलती हो गई, अब सत्संग करके अपने में अच्छे भाव लाकर भर लो, वो दोष निकल जाएंगे। भोजन के समय, जप के समय बोलनो नहीं चाहे। भोजन भगवान के अर्पण करके करनो चाहिए। भोजन में तुलसी रखी जावे तो बहुत अच्छी बात है। साधन भजन करना, सत्संग करना और विषयों की तरफ से इंद्रियों को हर प्रकार से हटाना, चाहे जबरदस्ती भी करनी पड़े, ये बहुत अच्छी चीज है। गंगा जी से हरिद्वार जाना है, हवा भी ठीक होनी चाहिए, पानी का बहाव भी ठीक होना चाहिए और चलाड़िया भी ठीक होना चाहिए। तीन चीजा मिले जना हरिद्वार जावे। ऐसे ही सत्संग रूपी तो वायु है, भजन ध्यान है, सात्विक वृत्ति है, वो प्रवाह है, प्रवाह। और संयम है, वो नौका है, आप बहुत जल्दी आराम से पहुंच जाओ। ऐसे ही कुसंग है, प्रमाद है, तामसी वृत्ति है, जो नरका में ले जावे। तो आपको तीन उपाय बताए, सत्संग बताया, भजन ध्यान बताया, संयम बताया, इनको लेकर के चलना चाहिए। परमात्मा दयालु है, न्यायकारी है, ये कैसे है? जो न्याय करेगा वो तो दयालु हृदय नहीं रखेगा, उस समय न्याय से चलना पड़ेगा। और जब दया हो गया तो वो न्याय कैसे करेगा? आप कहते हो परमात्मा दयालु भी है, न्यायकारी भी है, दो बात कैसे की? दोनों बात है। गंगा जी में नहाने से मुक्ति होवे वो न्याय है। भजन करे उसका कल्याण करे, और भजन नहीं करे उसका कल्याण नहीं करे, ये न्याय है। भगवान के शरण हो जावे, जब भगवान अपराध की तरफ ध्यान ही नहीं देवे, और जितो आदमी अपराध करे बितो दंड नहीं देवे, आ दयालुता है। देखो ऐसी बातें मिले नहीं है सुनने में। बड़ा बड़ा विद्वान भी दयालु और न्यायकारी रो निर्णय नहीं कर सके। कितनी बढ़िया बात कही। भजन ध्यान करे भी को कल्याण करे, नहीं करे भी को कल्याण नहीं करे, वो न्याय है। अपराध की तरफ भगवान ध्यान नहीं देवे, शरण में आ जावे भी नहीं, और अपराध रो दंड भी पूरो नहीं देवे, वो दयालुता है।
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ओ भगवान री दयालुता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंतम कलेवरम, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। ओ भगवान रो कानून है, कानून और दया दोनों भगवान री साथ है चले। भगवान रे अठे एतराज नहीं है। आ मेथा ने बहुत उच्च कोटि की बात बताई है। सब कोई को स्मरण करो थे सब कोई न प्राप्त कर ले हो, मन स्मरण करो थे मन प्राप्त कर ले हो। आ दयालुता ही तो है। भगवान सबरे साथ है मिल गया। भगवान का किसी भी प्रकार से भजन करे उसका कल्याण होता है। ये भगवान की विशेष दया है, बड़ी उच्च कोटि की दया है, हमारे समझ में नहीं आती। भगवान जैसा कर्म करे वैसा फल देवे, ये कितना पवित्र न्याय है। भगवान अपना कानून भी ठीक तरह से बनाए इसलिए उद्धार करते हैं, दया का भी पालन करते हैं इसलिए पापी का भी कल्याण हो जाता है। भगवान और महात्मा हेतु रहित दया करने वाले होते हैं। भगवान को बुलाने की क्या चेष्टा करें, कैसे आवे भगवान? भगवान रोने से आवे, सब मिलकर रो तो ऐसे तो रोनो आवे नहीं। आप कोई रोने री कथा सुनाओ। उत्तर देवे, स्वामी जी कल कोई ऐसी कथा सुनाओ जी में सब रोवन लाग जावे। प्रश्न, महात्माओं का प्रभाव जानने में कैसे आवे कि भगवान की दया से आवे? भगवान की दया तो है ही, ये मानो को नहीं। दया तो है लेकिन मानते नहीं हो, मान लो। कैसे माने? सत्संग से मानो, जप से मानो और ध्यान से मानो। महात्माओं की कैसे पहचाने कि ये बहुत कठिन काम है। भगवान को पहचानना सरल है, महात्माओं को पहचानना कठिन है। आपा तो इतो ही पहचान कर लो कि जिसके आचरण से लक्षणों से भगवान की याद आ जाए वो महात्मा है। जैसे सिपाही को देखते ही गवर्नमेंट की याद आ जाती है, ऐसे ही जिसको देखने से भगवान की जागृति हो, बुराई के त्याग की भावना हो, वो महात्मा है। और जिसके देखने से आश्री संपदा बढ़े और भगवान की स्मृति घटे, वहां से तो रवाना ही हो जाना चाहिए। महात्माओं का असर कैसे, किस समय और क्या क्या प्रकार से पड़ता है? महात्माओं का असर सबसे पहले हमारे पाप के नाश में लगता है, क्योंकि महात्मा के दर्शन से पाप का नाश नहीं होता तो हम महात्मा को महात्मा समझने की कोशिश ही क्यों करते? कुछ पाप का नाश हुआ है। दूसरा, महात्मा के पास रहने से ज्ञान का प्रकाश फैलता है जिससे हमको शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। महात्मा का जीवन देखने से वैराग्य होता है। तो इन सब बातों का महात्मा लोग प्रभाव डाकते हैं। महात्माओं में श्रद्धा नहीं करते हैं, महात्माओं के वैराग्य को, महात्माओं के वचनों को और महात्मा के सिद्धांतों को पढ़ो, सुनो और करो। अपने पर सदा भगवान का हाथ समझो।
ऐसा कभी मत समझो कि संसार में मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। ऐसा करना भगवान का अपराध है। अपने आंख बंद करके ऐसा समझो कि मेरे पर भगवान का हाथ है। भगवान बहुत प्यार से बोलते हैं, मेरे रहते तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे लिए भजन साधन कर, मैं तेरे भजन साधन को बढ़ाने में तैयार हूं। ऐसा अपने पर भगवान का हाथ समझे। चटपटी थोड़ी आपकी चाहिए, भगवान के लिए चटपटी कैसे लगे कि जैसे जल के बिना मछली के लगती है, क्योंकि मछली का जल से प्रेम है। ठाके मन में वो प्रेम नहीं है, जना छटपटी नहीं है। प्रेम किया हुआ रात दिन आप सोचो कि भगवान में प्रेम क्या बढ़े। भगवान में प्रेम बढ़नो चाहिए, चाहे मारो धन कितने ही लाग जाओ, चाहे मारे कितने ही दुख आ जाओ, चाहे दुख मारो गैल नहीं छोड़ो, तो भी प्रेम बढ़ने की भावना अंदर से ज्यादा होनी चाहिए। आप जो बात बताते हो, ये बात कैसे दिमाग में रहे, कहा कि एक ब्रह्मचर्य का पालन करने से, एक सत्संग में रुचि होने से, और एक अपने परिवार में अच्छा बर्ताव करने से ये बातें अंदर बैठती है। देखो कैसी शांति है, ये शांति है, ये भगवान का निराकार स्वरूप है। लोग कहते हैं कि भगवान का निराकार भी कोई स्वरूप होता है क्या, ये शांति भगवान का निराकार स्वरूप है। सत्संग करने से ऐसी निराकार भगवान की शांति में हरदम आदमी डूब सके। सत्संग हर वक्त कैसे मिले, अपने जीवन में दूसरी बात करे ही नहीं, भगवान की चर्चा में ही रहे, कोई संसार की खुशी की कौर की बात करे तो बटू चुपचाप सिर कर रवाना हो जावे। मंगलनाथ जी महाराजा कोई भी संसार की चर्चा चालती उठ रवाना हो जाता। मौन बहुत ज्यादा दामी चीज है। आपस में बात करें जरा भगवान की बात करें। एक रहस्य की बात करम, बात बतावा। आदमी बोलनो छोड़े, बोलनो छोड़नो तो सहज है, पर बोलनो सुधारनो कठिन है। ऐसे ही व्यवहार ने छोड़नो सहज है, पर व्यवहार ने सुधारनो कठिन है, और व्यवहार ने सुधारे आ तपस्या है। बोलनो सुधारे आ तपस्या है, क्यों कठिन चीज है बा तपस्या होया करे। अब आर थाने में आ कह देवा कि थे घर छोड़ दो, तो लागे थे घर छोड़ सको, पर थाने कहवा कि थे लोगा के साथ पक्षपात रहित होकर, राग द्वेष रहित होकर, काम क्रोध से रहित होकर व्यवहार करो तो थारे कठिनाई पैदा हो जावे। इस बात सिद्ध हुए कि व्यवहार सुधारनो ऊंची चीज है, बोलने रो सुधार करनो ऊंची चीज है, मौन ऊंची चीज नहीं है। यूं ऊंची चीज है, दामी है, पर सुधारनो बोलने रो सुधारनो है, ओ मौन रे बाद भी काम आवे।
ध्यान लगने का सरल उपाय तीन चीज, नाम का जप, सत्संग और संसार से वैराग्य। भगवान की दया का पात्र कैसे हुआ? भगवान की तो दया आपने बिना मांगे ही मिल रही है। थे भगवान की दया नहीं होती तो मारे पेट में जीवता किया। थारे भगवान की दया नहीं होती तो मारे शरीर में दूध बढ़तो किया। थारे भगवान की दया नहीं होती तो छोटो सो शरीर बड़ो होतो किया। भगवान री दया नहीं होती तो रोटी है पानी है इसमें आपरो शरीर चाले ने शरीर चाल तो किया। भगवान की दया तो ठोर ठोर बरस रही है, जगह जगह विद्यमान है। अब समझो नहीं तो मेके करा। जो दया ने माने है वो सुपात्र है और जो भगवान की दया ने नहीं माने वो कुपात्र है। विषयों से मन को हटाकर परमात्मा में लगना बहुत कठिन लगता है, तो प्रयत्न करिया राखो। ये मन ने पकड़ पकड़ बार बार लालार भगवान में लगाया राखो। छोटो टाबर है बिन पढ़ाणो कितो दोरो रहे। ऐसे मन तो एक टाबर के समान है, इन्हें थे जबरदस्ती से पकड़ पकड़ लाओ और भगवान में लगाओ। क्या भजन में मन घबरा जावे कि मन रो कंठ पकड़ लो, उकताओ मत, अपने मत उकताओ। ऐ मजूर लोग काम करे, ऐ काम करते करते उकतावे घड़ा ही है, पर मन में समझाया कि आपने काम तो करना पड़सी, नहीं तो सिंजा ने पीसा नहीं मिलेगा। तो मजूर करे ही है, युद्ध करने वालों मरने वास्ते बढ़ जावे, उगता भी जावे, लेकिन युद्ध करे ही है, लड़ाई करे ही है, ऐसे उगताणो नहीं चाहिए। गीता जी कैसे समझ में आवे? गीता जी ने अपने मनरी बात समझ पढ़नों की मारी मनरी बात गीता जी में भगवान कहवे है। भगवान को साक्षात्कार हो जावे बा बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। अपने गुणा ने सदा छिपानो चाहिए, अपना दोषा ने बतानो चाहिए। अपना दोष खुलर कह दो, परंतु अपना गुण है भी ने छिपार रखो। पर आज तो उल्टी रीत है, लोग आपके गुणा की डुगडुगी पिटावे और अवगुणा ने रुपया देर भी छिपावे। अवगुण छिपियोड़ा बहुत दुख देवे, पात्र मिल जावे तब भी अपनी बात छिपानी कि नहीं? भगवान माने मिल गया या कोई और बात जो सु भगवत संबंधी बात अधिकारी मिल जावे तो बट छिपानी कि नहीं छिपानी? कि छिपाने में ही फायदो है। एक राजा था, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, उसने डूंडी पिटाई माने डुगडुगी पिटाई, सब जगह हल्लो कर दियो कि एक बात पूछता हूं, किसी को अमोलक वस्तु मिल जाए तो क्या करे? सब जवाब दो। किसी ने कहा तिजोरी में बंद रख दो, किसी ने कहा जमीन में गाड़ दो, किसी ने कहा बिस्तरों में छिपा करके रख दो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक महात्मा ने कहा कि आपको राजन अमोलक वस्तु मिली है तो हल्ला मत मचाओ,
महात्मा ने राजा ने कहा ये बात सबसे अच्छी है, हल्ला क्यों मचावे। राजा उस महात्मा से मिलने के लिए हाथी पर चढ़कर गया, जाकर कुटिया पर हाथी से उतरा कि महाराज आपने कहा था क्या कि हल्ला क्यों मचाओ। महात्मा जी संकोच में पड़ गए कि बोला हाँ मैंने कहा, कोई कसूर हो गया क्या, मेरे से गलती हो गई क्या, हाथी लेकर आए हो, माफ कर दो भाई हमने ऐसा कह दिया। राजा ने कहा नहीं महाराज, अब राजाओं को तो हाथी पर आना पड़ता है इसलिए आया हूं, मैं तो आपके जवाब से बहुत खुश हुआ हूं, अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, जो मांगो सो मांग लो। महात्मा जी ने कहा मुझे तो कोई जरूरत नहीं है मांगने की, कि आपके कुछ काम आएगा, मेरा काम खूब आराम से चलता है, आज दिन तक काम चला अब भी काम चलेगा, नहीं आपको कुछ मांगना होगा, मैं देना चाहता हूं और आप मांग लो महाराज, मेरी लाज रह जाएगी, जो मांगूंगा सो दे दोगे। हाँ महाराज, ज्यादा से ज्यादा राज्य मांगोगे तो आप जैसे महात्मा को राज्य देकर मैं तो निहाल होऊंगा ही, प्रजा भी निहाल हो जाएगी। महात्मा जी बोले कि अब मैं आपसे मांगता हूं कि देखो राजन, तुम मेरे पास आना नहीं और तुम मुझे अपने पास बुलाना नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास आओगे तो लोगों में मेरा परिचय बढ़ेगा, ये परिचय बढ़ना है ये साधु के लिए साधन भजन में डंक, बिच्छू के डंक के समान है, और आप मुझे वहां बुलाओगे तो मेरा आदर करोगे, मान करोगे, तो ये मान सांप के समान है, ये बांध देगा हमको, इसलिए आप तो आना नहीं और हमको बुलाना नहीं, और मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप आ जाऊंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए महात्मा लोग हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि मुझे ऐसे दर्शन हो गए, मैं ऐसे भगवान को प्राप्त हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ कहते नहीं है। वो इतना कहते हैं कि ऐसा साधन भजन करने से भगवान मिलते हैं, इसी बात को हमें श्रद्धा पूर्वक देखनी चाहिए। हमको तो सबसे बढ़िया बात ये लगती है, ये संसार की सब आफत है, ज्यादा संसार के पछड़े में मत पड़ो। कई उत्सव वगैरह होते हैं, हमको बुलाते हैं, हमारा जाने का मन नहीं होता। ब्याह शादी में भी पहले से ही जी घबराने लग जावे, मैं तो जट है हाँ बठे ठीक हाँ। मनुष्य जीवन अमूल्य है, संसार का कोई शेष रहा हुआ काम मरने के बाद लोग कर लेंगे, लेकिन भजन ध्यान का काम हमारे मरने के बाद कौन करेगा, सावधान होना चाहिए। राम 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 राम।